श्रीनगर में 5 दिनों में 7 निर्मम हत्या से दहशत है। घाटी में रहने वाले गैर मुस्लिम कर्मचारियों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है या कश्मीर के बाहर निकल रहे हैं। गैर मुस्लिम व्यापारियों ने शाम ढलने से पहले दुकानें बंद कर ली या फिर खोली ही नहीं। दहशत इस कदर हावी है कि आतंकियों ने ईदगाह के जिस स्कूल में आईडी देखने के बाद 2 गैर मुस्लिम शिक्षकों की हत्या की थी, उसी स्कूल से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर एक और स्कूल है जहां हिंदू और कश्मीरी पंडित काम कर रहे हैं। वहां की महिला शिक्षक ने यह खबर सुनी तो बेहोश होकर गिर पड़ी, बाकी साथी रोने लगे। जम्मू से आने वाले एक शिक्षक कहते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ऐसा लग रहा है कि मौत के दहशतगर्द बाहर हमारी तलाश कर रहे हैं। इस स्कूल के सभी गैर मुस्लिम कर्मचारियों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। इस घटना के बाद प्रशासन अलर्ट है। पुलिस हर स्कूल और विभाग से गैर मुस्लिम कर्मचारियों को निकाल रही है। उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए संदेश भेजा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले गैर मुस्लिम कर्मचारियों को आर्मी कैंट या अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। बहुत सारे लोगों ने कुछ ही घंटों में जम्मू के लिए फ्लाइट भी बुक कर ली है। पूरे कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर जगह तलाशी ली जा रही है। प्रशासन ने गैर मुस्लिमों को फील्ड ड्यूटी से हटा लिया है। हर एक विभाग को सूचना भेजी गई है कि वे अपने यहाँ काम करने वाले सभी गैर मुस्लिमों को घर में रहने के लिए कहे। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीड टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाए ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।